अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे एक विशेष चर्चा करने का प्रयास करें कि जब हम लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, जैसे ही 12 बजता है तो फिर हम लोग कहते हैं कि भगवान का प्राकट्य हो गया। जन्मोत्सव मनाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इसके पहले से बच्चों के बहुत से कार्यक्रम करते हैं, छोटे छोटे से बच्चों को भगवान का स्वरूप बना करके, उनको धोती पहना करके, टीका लगा करके मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, टॉफ़ी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, बांसुरी देते हैं, बच्चों को खिलौने बांटते हैं। तो ये बड़ा ही उत्सव, आनंददायक उत्सव होता है और ये भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक विशेष चर्चा मैं आपसे ये करने जा रहा हूँ कि जब बालक का जन्म होता है तो उस समय बालक का संबंध माँ के नाल से होता है। तो जब बालक का जन्म होता है तो फिर उसका नालोच्छेदन किया जाता है। यहाँ पर संत ऐसा कहते हैं कि नालोच्छेदन के समय जैसे ही भगवान बालकृष्ण का जन्म हो तो पूजा के स्थान पर सबसे पहले वही एक फल होता है जो खीरा, जिसको हम लोग सलाद सैलेड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु उस दिन वह खीरा साधारण खीरे के रूप में नहीं होता। देखने में तो आपको लगेगा ये साधारण खीरे के रूप में है, परंतु उसकी एक विशेषता होती है। उस खीरे को आप लाइएगा और उस खीरे को आपको ला करके जहाँ पर भगवान बालकृष्ण का आपने पूजन झूला इत्यादि लगा करके रखा है वहीं पर उसको रख दीजिएगा। और इसके बाद में जैसे ही भगवान बालकृष्ण का जन्म हो, अर्थात जैसे ही जन्म महोत्सव आपने मनाना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले एक काम यही करेंगे, वह जो खीरा है उस खीरे में एक लंबी डंडी और कुछ पत्ते लगे हुए होंगे। ऐसा खीरा आपको मार्केट से लाना, ऐसा नहीं लाना है कि जो डंडी और पत्ते ना लगे हों, क्योंकि वो नालोच्छेदन होता है, नाल बोलते हैं उसको। और जैसे ही जन्म महोत्सव मनाना प्रारंभ करें तो सबसे पहले क्या करना है, 1 रुपए का क्वाइन का सिक्का आपको खीरे के जहाँ पे डंडी लगी होती है वहीं पे रखना है और उसको उसी क्वाइन से इस तरह से एक लकीर बनाते हुए, अंदर तक लकीर बनाते हुए उसको लेकर के आना है। इसका मतलब हुआ कि भगवान का प्राकट्य हो गया, हमने नालोच्छेदन कर दिया। ये मन में भाव होने चाहिए। और शंख बजाइएगा, जब बेटा पैदा होता है तो घर में थालियां बजाई जाती हैं और यहाँ पर जगत का पिता, आज हमारे यहाँ पर उसका हम जन्म महोत्सव मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, और उसके जन्मदिन पर हम थाली नहीं, हम शंख का नाद करें। शंख बजाइएगा, घंटा बजाइएगा, घंटी बजाइएगा, नगाड़े बजाइएगा, इस तरह से भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव को हम लोग मनाएं, जीवन के विकारों को दूर मनाएं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।